हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी और यू कैन से दैट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं हम सभी जानते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू दी साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आ, ये वुमेन प्रेगनेंट है या नहीं है तो हम लोग इसमें दोनों चीज़ें देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो नाइन मंथ की होती है और अगर ट्राइमेस्टर में डिवाइड करें तो थ्री 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 मंथ के तीन ट्राइमेस्टर होते हैं तीन तीन छह तीन नौ हो गए नाइन मंथ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा एक से तीन मंथ का होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा चार पांच छः थर्ड ट्राइमेस्टर सात आठ नौ तो हम लोग अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है टोटल कितने वीक्स का होता है बारह हफ्तों का होता है तो चार एक आ, महीने में चार हफ्ते होते हैं तो चार चार आठ चार बारह इसका मतलब थ्री मंथ का होता है ओके okay. तो स्टार्टिंग में जैसे ही कोई वोमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं जिसको हम लोग ए, ए मेनोरिया बोलते हैं ए मीन्स होता है एब्सेंट मेनोरिया मीन्स होता है मैं साइकिल तो एब्सेंस ऑफ द मैंसुरेशन साइकिल सबसे फर्स्ट साइन कौन सा होता है एबसेंस ऑफ द मैंसुरेशन साइकिल उसके बाद जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग होती है हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचसीजी हार्मोन बोलते हैं तो जब भी आपका लाइक like, किसी प्रेग्नेंट वुमन का एचसीजी हार्मोन बढ़ता है उस टाइम पे क्या होता है कि उसके अंदर आ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि आपके पेट के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है उसकी भी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है तो भाई वो एसिड है तो वो थोड़ा सा आपको अंदर आपका जी मचलाएगा नोजिया फील होगा वॉमिटिंग फील होगी साथ ही साथ आपका जो इसोफेगस होता है यानी कि जो आपके फूड पाइप होता है जिसके अंदर से खाना पेट के अंदर जाता है जिस पाइप के अंदर से खाना पेट के अंदर जाता है ठीक है तो ये आपका स्टमक हो गया ये आपका इसोफेगस हो गया स्टमक और इसोफेगस के बीच का ये जो जंक्शन होता है इसको हम लोग इस बोलते हैं ये स्पिंटर क्लोज हो जाता है जैसे ही खाना पेट के अंदर चला जाता है आप समझ गए आपने खाना खाया वो इस पाइप से आया और पेट के अंदर चला गया और ये वाला जंक्शन यानी कि स्पिंटर जिसको हम लोग कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं ये क्लोज हो जाता है जब एच सी एल सॉरी एच सी जी लेवल बढ़ता है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिकोनाइटोपिन हॉर्मोन बढ़ता है तो ये स्पिंटर जो होता है वो थोड़ा सा खुला रह जाता है इसकी अपने आप को बंद करने की जो ताकत होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना अंदर गया वो थोड़ा बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर की तरफ जाने लगता है हल्का सा ऊपर की तरफ जाता है तो आपको नॉजिया और वॉमिटिंग फील होती है नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन यहाँ पे सी लगा देना मैक्चुरेशन ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्शन होता है बार 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 यूरिन पास करने की अर्ज होना बार -बार फीलिंग आना कि हमें यूरिन पास करने जाना है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब यूट्रस यानी कि बच्चे जाने के अंदर कोई बच्चा आ जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है और जब उसका साइज बढ़ जाता है तो वो अपने आगे स्थिर यूरिनरी uh, ब्लैडर जो कि उसके आगे सिचुएटेड होता है उसको थोड़ा सा दबाना दबाने लगता है या दबाने की कोशिश करता है क्यों क्योंकि अब जब इसका साइज बढ़ा है तो साइज सिर्फ ऊपर की ओर नहीं बढ़ता इसकी चौड़ान भी बढ़ती है इसकी व्यर्थ भी बढ़ती है व्यर्थ बढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करने लगता है दबाने लगता है तो जब ये कंप्रेस करने लगेगा तो आपका थोड़ा सा भी यूरिन यहाँ पे भर जाएगा तो आपको लगेगा कि यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है ठीक है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन रीजन मैंने आपको बता दिया ग्रेविड यूटरस मतलब प्रेगनेंट यूटरस कंप्रेस किसको कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को नेक्स्ट है इंक्रीज थ्रस्ट या आप इसको पॉली यूरिया भी सॉरी थ्रस्ट एंड पॉली यूरिया तो आपको प्यास ज्यादा लगने लगेगी और आपको बार बार यूरिन पास करने की भी अर्ज होगी यूरिन क्यों बार बार पास करने की अर्ज होगी ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया प्यास क्यों बार बार लगेगी क्योंकि प्रेगनेंसी के जितने भी हारमोन बढ़ते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया प्रोजेस्टेरोन हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया ये सारे हार्मोन क्या करते हैं कि आपके अंदर जो है वो थ्रस्ट लेवल को बढ़ा देते हैं आपके ब्रेन को ये थोड़ा सा एहसास दिलाते हैं कि बार बार प्यास लग रही है इस वजह से आपको बार बार प्यास लगती है इसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं ब्रेस्ट चेंजेस आ रहे हैं अब ब्रेस्ट चेंजेस क्यों आ रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि देखो जैसे ही कोई मदर प्रेग्नेंट होती है उसके बाद नाइन मंथ बाद वो बेबी को डिलीवर कर देती है और बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट मिल्क की बहुत नीड पड़ती है ठीक है तो अचानक से ब्रेस्ट के अंदर मिल्क थोड़ी ना प्रोड्यूस होने लगेगा ब्रेस्ट अपने आप को प्रिपेयर करेगा उस सारी चीजों के लिए अब क्या क्या चीजें ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस हो रही हैं, जिससे कि वो बाद में बेबी के लिए बेनिफिशियल हो जाए पहले प्रिकिंग सेंसेशन मदर को बार बार चुभन फील होगी क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गुनाडोट्रोपिन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ेगा तो उसको अंदर से थोड़ी सी चुभन जैसी फील होगी डेट इज प्रिकिंग सेंसेशन। इसके बाद विजिबल वेन विजिबल वेन मीन्स होता है नसें दिखना ये देखो यहाँ पे ब्लूइश आपको विजिबल वेन देखने को मिल रही होगी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड घूमता रहता है वो वेसल्स अपने आप को चौड़ा कर लेती हैं बड़ा कर लेती हैं क्यों बड़ा कर लेती हैं क्योंकि अब उनको एक को नहीं दो लोगों को ब्लड देना है किसको मदर को और बेबी को इस वजह से ब्लड वेसल्स अपने आप को ब्रॉड कर लेती हैं चौड़ा कर लेती हैं जिसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा दे सके ठीक है तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी भी नर्व बहुत आराम से आप देख सकते हो ब्लू ब्लू दिखती हैं क्योंकि उनकी भी नसें या ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं ब्रॉड हो जाती हैं सेम प्रेगनेंसी टाइम पे भी इस तरह से ब्रॉड हो जाती है और ब्लू ब्लू दिखने लगती है यहाँ पे देख लो विजिबल वेन इजिली देखने को मिल रही है नेक्स्ट है मॉन्ट ग्यूमेरि ट्यूबरकल्स मॉन्ट ग्यूमेरिक ट्यूबरकल्स एक तरह के छोटे छोटे पिंपल्स शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एरियोला के आसपास देखने को मिलते हैं अब ये मॉन्ट ग्यूमेरि ट्यूबरकल्स एक तरह के हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी साइन uh, होता है प्रेगनेंसी का जितने भी वोमेंस प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर ये ट्यूबकल्स आराम से देखने को मिलते हैं हालांकि नॉर्मली भी ये सिचुएटेड होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से इनका साइज साफ साफ बढ़ जाता है और देखने को भी मिलता है नेक्स्ट है डार्क एरियोला डार्क एरियोला क्यों हो रहा है पहली चीज तो एरियोला कहाँ है ये निप्पल के आसपास जो डार्क स्किन होती है उसी को हम डार्क एरियोला बोलते हैं ये एरियोला डार्क क्यों हो गया पहले इतना लाइट था अब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये थोड़ा सा डार्क होने लगा क्यों क्योंकि आपके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जो कि एक तरह का हॉर्मोन होता है और ये आपके सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन के साथ साथ ईस्ट्रोजन अपने साथ मिलानन को भी इंक्रीज कर देता है वॉट इज मिलानन मिलानन आपके बॉडी के कलर को आइडेंटिफाई कराता है जैसे अगर आप डार्क कलर के हो तो आपके अंदर मिलानन ज्यादा होगा अगर आप फेयर कलर के लाइट कलर के हो फेयर हो आप तो इसका मतलब आपके अंदर का जो मिलानन होगा वो डिक्रीज होगा कम होगा तो ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो वो अपने साथ साथ मिलानन को भी बढ़ा देता है जब वो मिलानन को बढ़ा देता है तो इसी वजह से आपका एरियोला डार्क हो जाता है आपके फेस पे अलग अलग तरह के मार्क आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक मार्क देखने को बहुत सारी वोमेंस के अंदर मिलते हैं आपके पेट पे एक लंबी सी लाइन देखने को मिलती है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं इरेक्टेड निपल निपल का साइज भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ईस्टोजन लेवल निपल का साइज क्यों बढ़ जाता है अगर निपल का साइज नहीं बढ़ेगा तो बेबी के डिलीवरी के बाद बेबी निपल को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा और जब वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा तो वो ब्रेस्ट को ब्रेस्ट मिल्क को अपने अंदर नहीं ले पाएगा और सक नहीं कर पाएगा जब बेबी अच्छे से सक नहीं कर पाएगा तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा नेक्स्ट आ जाते हैं विजिबल कोलेस्ट्रम देखो कोलेस्ट्रॉम एक तरह का मिल्क होता है जो कि थिक येलो कलर का होता है ये कब स्टार्ट हो जाता है ट्वेल्व वीक में ही स्टार्ट हो जाता है आना इसका आने का पर्पस क्या है इसका आने का पर्पस ये है कि ये आपके निप्पल्स के होल को आ, ओपन रखने के लिए अपने आप को सिक्रीट करता है साथ ही साथ आपके नेपल्स को मॉइस्चराइज करने के लिए भी अपने आप को सिक्रीट करके रखता है ये ज्यादा नहीं बनता है हल्का फुल्का ड्रॉप केवल बाहर आता है जिससे कि आपका नेपल को नरिशमेंट मिलता है नेक्स्ट ब्रेस्ट फुलनेस तो जब इतनी सारी चीजें अपना साइज बढ़ा लेंगी तो ब्रेस्ट का वेट बढ़ जाएगा और मदर को लगेगा कि ब्रेस्ट बहुत ज्यादा फुल हो चुका है बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है दिस इज ब्रेस्ट फुलनेस नेक्स्ट आ जाते हैं फैटी फैटिंग मीन्स होता है थकान तो जब मदर को वॉमिटिंग आ रही है और मदर को नोजिया फील हो रहा है उसको खाने में चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हैं साथ ही साथ उनका ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है उनका खुद का भी वेट बढ़ रहा है तो उनको क्या लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सिक हो गई हैं तो इसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं क्योंकि नॉजिया वॉमिटिंग जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा फील होता है ऐसा होता क्यों है क्योंकि रात भर वो सो रही हैं मतलब मूवमेंट उनका नहीं हो रहा है तो जब आप घूमते फिरते चलते फिरते रहते हो तो जो आपके अंदर एसिडिटी बनती है गैस बनती है वो निकलती रहती है और रात भर सो रहे हो और मॉर्निंग में गैस बन रही है तो आपको क्या होगा नोजिया वॉमिटिंग फील होगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो और साथ ही साथ आपके अंदर ह्यूमन कोरियोनिकोनाइडोट्रोपिन हॉर्मोन एच सी जी बढ़ रहा है इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस यानी कि टाइटनेस फील हो रहा है उसकी वजह से भी वो अपने आप को बीमार बीमार सा फील कर रही है और ब्रेस्ट के अंदर थोड़ा सा ब्रेस्ट को टच करो तो हल्का सा पेन भी फील हो रहा है इसी वजह से मदर अपने आप को थोड़ा सा फैटी फील कर रही है नेक्स्ट आ जाते हैं जनाइटल ऑर्गन चेंजेस अब जनाइटल ऑर्गन चेंजेस में देख लेते हैं ऐसे हमारे पास बहुत सारे जनाइटल ऑर्गन में चेंजेस होंगे जैसे कि सबसे पहले देख लो जैक्वा साइन तो जैकवा मेयर साइन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था ये एक तरह का साइन होता है जिसमें आपका वजाइना ब्लू दिखने लगता है यहाँ पे देख लो वजाइना ब्लू दिखने लगा क्यों क्योंकि इसकी इसकी जो जो नर्व है इसकी जो वेंस है वो अपने आप को बड़ा कर चुकी है मोटा कर चुकी है तो वो वेन्स आपकी कैसी हैं ब्लू ब्लू हैं जैसे कि ब्रेस्ट में दिख रही थी वैसे ही ये यहाँ पर भी वेन्स ब्लू ब्लू हैं तो इसका कलर ब्लू दिखने लगा इसके साथ साथ कब होता है ये आठवें हफ्ते में ये दिखने लगता है आठवां हफ्ता में चार चार आठ दो महीने के आसपास जैकवा मेयर साइन आपको देखने को मिल सकता है क्यों हो रहा है वैस्कुलर चेंजेस में या वैस्कुलर कंजेशन में ये मैंने आपको बता दिया ब्लड वेसल्स मोटी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो ब्लू दिखने लगती हैं जेपमियर साइन हो गया अब देखते हैं मेनली वजाइना के अदर चीजें जैसे वजाइना के पहले तो बहुत सॉफ्ट होती हैं क्यों क्योंकि उनके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ गई है और उनका साइज भी बढ़ गया है तो वो टच करने से उनकी वॉल्स सॉफ्ट फील होते हैं इसके अलावा म्यूकस जो होता है वजाइना का जो आ, थिक कह सकते हैं कि लिक्विड होता है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है इसका थिक होने का मतलब ही यही है कि कोई भी इंफेक्शन आए तो ये म्यूकस उसको किल कर सके हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर म्यूकस जितना भी आता है चाहे वो माउथ में आए चाहे वो वजाइना में आए उसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईजिली किल कर देता है तो जब इसका म्यूकस थिक हो जाता है वजाइना का तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यूट्रस तक या आपके बेबी तक नहीं पहुंच सकता ईजिली देन ऑसियडर साइन साइन में होता है इंक्रीज फीलिंग ऑफ पल्सेशन। तो जब आपके ब्लड वेसल्स मोटी हो जाती हैं ब्रॉड हो जाती हैं तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी फास्ट हो जाती है तो जब फास्ट ब्लड सप्लाई होती है अगर आप अपने वजाइना को अपनी दो फिंगर से टच करोगे तो आपको पल्स फील होगी डेट इज इंक्रीज पल्सेशन कब हो रहा है ये एट्थ वीक में यानी कि दो महीने के आसपास इसके अलावा सर्विक्स की अगर हम बात करें तो सर्विक्स में गुडेल्स साइन देखने को मिल रहा है गुडेल्स साइन क्या होता है गुडेल्स साइन मीन्स जब सर्विक्स आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील करते हैं आप उसको गुडेल साइन बोलते हैं तो सर्विक्स सॉफ्ट क्यों है क्योंकि उसकी भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई उसके अंदर भी क्या वेस्कुलरिटी बढ़ गई तो जब आप उसे टच करोगे तो आपको सॉफ्टनेस फील होगी साथ ही साथ ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा क्योंकि उसकी भी ब्लड सप्लाई बढ़ गई है मतलब उसकी भी बेन्स मोटी हो गई हैं और वो ब्लू कलर दिखा रही हैं जब कोई वोमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनका सर्विक्स दूसरी तरह से देखने को मिलता है और नॉन प्रेग्नेंट वोमेन का सर्विक्स दूसरी तरह से देखने को मिलता है एग्जाम्पल प्रेग्नेंट सर्विक्स जो है वो थोड़ा सा लिप्स लाइक देखने को मिलता है अब यहाँ पे मैं सर्विक्स आपको दिखाती हूँ ये वाला एरिया आप देख रहे हो ये सर्विक्स है आपका ठीक है तो ये कैसे देखने को मिल रहा है लिप लाइक यहां से एक ये लिप बन गया और यहां से एक ये लिप बन गया आपके लिप्स की तरह देखने को सर्विक्स मिल रहा है वही नॉन प्रेग्नेंट जो आ, सर्विक्स होता है वो नोज के टिप की तरह देखने को मिलता है ये देखो ये नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स है और ये थोड़ा सा नोज की तरह देखने को मिल रहा है वी शेप अगर मैं यहाँ पे दो आईज बना दू तो ये आपको नोज की तरह देखने को मिलेगा नेक्स्ट आ जाते हैं यूट्राइन चेंजेस अब यूट्रस कैसा देखने को मिलेगा जब सिक्स वीक चल रहा होता है सिक्स वीक्स मींस चार चार आठ चार बारह चार चार आठ यानी कि डेढ़ महीना आप मान के चलो तो है, हैंस शेप की तरह या हैंस एग के शेप की तरह इतना बड़ा यूट्रस देखने को मिलता है जितना बड़ा मुर्गी का अंडा होता है देन एथ वीक में यानी कि चार चार आठ दो महीने के आसपास क्रिकेट बॉल के जितना बराबर हो जाता है देन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते यानी कि बारह हफ्तों में फीटल के हेड की तरह बेबी के हेड के बराबर यूट्रस हो जाता है साइज में शेप की अगर बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस uh, है वो नाशपाती की तरह होता है शेप का होता है और प्रेग्नेंट यूट्रस गोलमटोल हो जाता है इसलिए उसे ग्लोबुलर बोलते हैं डेट इज गोलमटोल हिगार साइन हिगार साइन क्या होता है पहले तो ये स्टार्ट कब होता है छ से दस वीक में स्टार्ट होता है हिगार साइन में होता क्या है कि छ से दस वीक का मतलब क्या है कि चार चार आठ दो महीने से थोड़ा सा कम समझ गया ना दो महीने से थोड़ा कम ठीक है तो उस टाइम पे क्या होता है यूट्रस जो अपर पोर्शन जो होता है उसका एनलार्ज हो जाता है इसका लॉजिक क्या है कि ये आपका यूट्रस है यहाँ पे अभी बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है हो रहा है मतलब यहाँ पे अभी बेबी सिचुएटेड है तो ये वाला एरिया कैसा होगा भाई लार्ज हो जाएगा एन लार्ज हो जाएगा बढ़ जाएगा और नीचे वाला एरिया आपको खाली देखने को मिलेगा क्योंकि अभी बेबी की लेंथ इतनी थोड़ी बढ़ गई है कि वो पूरे यूट्रस को कवर कर पाए अभी तो वो सिर्फ हाफ यूट्रस को कवर कर रहा है तो ऊपर वाला एरिया आपको एनलार्ज मिलेगा और नीचे वाला एरिया आपको एम्प्टी यानी खाली मिलेगा और सर्विक्स कैसा मिलेगा आपको थोड़ा सा फर्म मिलेगा फिर मीन्स होता है थोड़ा सा हार्ड नेक्स्ट आ जाते हैं पैल्विक एरिया मतलब आपके कमर की हड्डी के आसपास का जो एरिया है वहां पे क्या क्या चेंजेस होंगे पैल्विक फ्लोर मसल्स फॉर्म अ स्लिंग दैट सपोर्ट्स योर ग्रोइंग डूट्रस एंड बेबी विद इन द दैलविस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पै पैल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं यहाँ पे देख लो आपके हर जगह मसल्स ही मसल सिचुएटेड है कमर की हड्डी के नीचे भी मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और अपने आप को स्ट्रांग कर लेती हैं क्यों स्ट्रांग कर लेती हैं क्योंकि अभी उन्हें क्या करना है कि प्रेग्नेंट यूट्रेस को सपोर्ट करना है और ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे ये मसल्स अपने आप को लूज कर लेती हैं जिससे कि वो आराम से बेबी को बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे साइन एंड सिम्टम्स अब हम लोग देखने वाले हैं आपके इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ठीक है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के तीन महीने में आप कौन कौन से टेस्ट कराओगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट है आपका एग्युलेशन टेस्ट यहाँ पे देख लो मैंने सेकेंड में लिखा है एग्युलेशन टेस्ट क्या है ये एक तरह का यूरिन टेस्ट होता है ठीक तो सबसे पहले कोई भी मदर या कोई भी वोमेन जिसके पीरियड्स मिस होते हैं तो वो क्या करती है प्रेगा यूज करती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज करती है जिसमें वो यूरिन के सिर्फ दो ड्रॉप डालती है और अगर डबल लाइन आ रही है इसका मतलब शी इज प्रेगनेंट सिंगल लाइन आ रही है इट्स मीन शी इज नॉट ठीक है तो एग्यूलेशन टेस्ट वही है कि उसने क्या किया दो ड्रॉप यूज किए अपने यूरिन के और पता चल गया अगर डबल लाइन आई इसका मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट है और वो प्रेग्नेंट है तो ये एग्यूलेशन टेस्ट क्या कर रहा है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का काम कर रहा है कैसे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ नेक्स्ट है आपका डीप स्टिक टेस्ट तो डीप स्टिक टेस्ट भी यूरिन टेस्ट ही होता है और ये क्या करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शन को या ग्लूकोज लेवल को या प्रोटीन लेवल को इन सब को मेजर करने का काम करता है अगर डीप स्टिक टेस्ट में करते क्या है कि स्टिक को यूरिन से क्या करते हैं भिगा देते हैं और उसको लैब में सेंड कर देते हैं उससे पता चलता है कि मदर के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है साथ ही साथ पता चलता है कि क्या शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है या प्रोटीन लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है क्यों क्योंकि अगर शुगर लेवल और प्रोटीन लेवल पहले तो शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या होगा आगे चल के बेबी की डेथ हो जाएगी मदर के अबॉशन भी हो सकता है प्रोटीन लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब मदर को क्या हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है सॉरी प्री इक्लेम्शिया हो सकता है तो प्री प्री-इक्लेम्शिया में प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है इसके साथ साथ इसका रिजल्ट कब आ जाता है 48 एट आवर्स के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है तीनों चीजें पता चल जाती हैं 48 एट आवर्स के अंदर अंदर नेक्स्ट आ जाते हैं इंजाइम लिंक्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टेस्ट तो ये एक तरह का टेस्ट आप मान सकते हो एलाइजर टेस्ट क्या है एसे ये आपका एच टेस्ट को पता करने के लिए होता है यानी कि ह्यूमन को आ, इम्यूनो डिफिशंशी वायरस को पता करने के लिए होता है तो इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि उस वोमेन को या उस मदर को एड्स तो नहीं है तो इसमें क्या हम लोग करते हैं ये एक तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि इस तरह का एच वायरस तो नहीं फैला हुआ है मदर के अंदर तो इसके बेसिस पे ही हम आगे की प्रेगनेंसी डिसाइड करते हैं कि उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए या उसका क्या सिचुएशन चल रही है नेक्स्ट आ जाते हैं सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट तो सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट मींस होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू सारा टेस्ट करवाना तो अब ब्लड की क्या टेस्ट करवाना है हमें फर्स्ट है आपका फ्लुरो इम्यूनो एसए टेस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FIA भी बोलते हैं फ्लुरो इम्यूनो एसिड टेस्ट क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक सॉरी एचसीजी हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के लेवल को पता करने का काम करता है क्योंकि ह्यूमन कोरियोनोगोनाइड्रोट्रोपिन हार्मोन स्टार्टिंग में काफी तेजी से बढ़ता है वे बीच में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में उसको बढ़ने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है आपको पता है ह्यूमन कोरियोनिगोनाइड्रोट्रोपिन हार्मोन को बढ़ने के लिए क्यों जरूरत होती है जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रह सके एच क्या कर रहा है वो आपके प्रोजेस्टोरॉन हारमोन को बढ़ा रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है आपके अंदर जो यूट्रस की इनर लेयर होती है जिसमें जाकर के प्लासेंटा अटैच होगा ये आपका यूट्रस हो गया ठीक है इसी के अंदर पहले प्लासेंटा बनेगा फिर कॉर्ड बनेगी उस कॉर्ड से बेबी का अटैचमेंट हो जाएगा इस तरह से बेबी का अटैचमेंट हो जाएगा तो ये जो लेयर है जिसपे प्लासेंटा अटैच है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए आपका प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर इसकी थिकनेस नहीं बढ़ी मान लो अगर ये मोटी नहीं हुई तो इसके ऊपर जो प्लासेंटा चिपका हुआ है वो आगे चल के और अपना साइज बढ़ाएगा बेबी अपना साइज और बढ़ाएगा इसके अंदर वाटर इंक्रीज होगा जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं तो इन सब का वेट ये लेयर नहीं संभाल पाएगी और टूट जाएगी और जब ये टूट जाएगी तो मदर का एबोर्शन हो जाएगा तो एबोर्शन से प्रिवेंट करने के लिए लेवल अपना आ, अपने आप को बढ़ाता है और उसकी हेल्प कौन कर रहा है ह्यूमन सो यही हमें पता करना होता है तो हम ये पता कैसे कर सकते हैं फ्लूरो इम्यूनो एसे टेस्ट से पता कर सकते हैं कि एच सी जी लेवल बढ़ रहा है या नहीं इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है दो से तीन घंटे में ही Normally, इसका रिजल्ट देखने को मिलता है तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि बहुत ज्यादा एच लेवल कब बढ़ा हुआ होता है नौ से बारह हफ्ते में कितना पच्चीस हजार सात सौ से अट्ठाईस हजार सॉरी दो लाख आठ हजार तो हाईएस्ट कितना होता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड से टू एटी एट थाउजेंड तक ये बढ़ा हुआ होता है और ये सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है कब नाइन से ट्वेल्व वीक्स में लोएस्ट होता है फाइव से फिफ्टी देखो सबसे कम होता है फाइव से फिफ्टी और सबसे ज्यादा होता है इतना. तो ये पता करने के लिए हमें फ्लोरो इम्यूनो एसिड टेस्ट की नीड पड़ती है नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियो इम्यूनो एसिड टेस्ट रेडियो इम्यूनो एसिड टेस्ट भी एच को ही डिटेक्ट करने के लिए होता है क्योंकि इस टाइम पे एच लेवल का पता करना बहुत जरूरी होता है तो ये सारे टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं जो टेस्ट की नीड पड़ती है वही टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करता है करवाने के लिए ये क्या कर रहा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट करा रहे हैं किसके अंदर ब्लड के अंदर ये अभी तक का काफी पॉपुलर टेस्ट होता है और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी काफी हद तक सक्सेसफुल माने जाते हैं क्योंकि इस पर रिसर्च चल चुकी है ये एक्यूरेट वैल्यू देता है तो so, इसी वजह से ये अभी तक सक्सेसफुल टेस्ट है क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है जो इसका रिजल्ट आता है वो काफी हद तक सही निकलता है ये मेनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दर्शाने या दिखाने या बताने के लिए होता है क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो एच जो हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइड्रोट्रोपिन हॉर्मोन लेवल है वो अपना लेवल डिस्टर्ब कर देता है इस वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हमें इसको पता करना पड़ता है जब एबोर्शन अगर किसी मदर का हो जाता है तो आपका एच लेवल अपने आप ही कम होने लगता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपका एच लेवल कंटिन्यूस बढ़ता रहता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक टाइम तक एच लेवल आपका रुक जाता है बढ़ना तो ये सारी चीजें पता करने के लिए आपका रेडियो इम्यूनो एसिड टेस्ट की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट है इम्यूनो रेडियोमेट्रिक टेस्ट एससे टेस्ट एच सी जी ले जी लेवल को यह भी डिटेक्ट करता है और ये मेनली आइडेंटिफाई कर सकता है लोएस्ट लेवल है ना तो ये एच सी लेवल को इजिली डिटेक्ट कर सकता है और ये एक्यूरेट वैल्यू बताता है कि, कि कितना एच लेवल कम हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबोर्शन में आपका एच लेवल कम होने लगता है क्योंकि उस टाइम पे प्रेग्नेंट मदर का बच्चा मर चुका होता है सो so, सबसे कम टाइम में ये आराम से आपको बता सकता है सिर्फ आधे घंटे में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है नेक्स्ट है अलाइजा जो कि ब्लड के थ्रू भी किया जाता है और इसमें हमें पता चलता है कि मदर को एड्स है या नहीं इसके अलावा अदर मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं स्टार्टिंग में हमें अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलता है छोटा सा ये ब्लैक स्पॉट इसको हम लोग योल्क सैक बोलते हैं ये सैक जो होता है ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए जरूरी होता है कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है तो ये पहले सबसे पहले ये छोटा सा आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा इसके अलावा कार्डियक एक्टिविटी यानी कि छह हफ्ते में कार्डियक एक्टिविटी बच्चे की दिल की जो हरकत है वो आपको देखने को मिलेगी कि दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है नेक्स्ट एम्ब्रियो मूवमेंट भी देखने को आपको सातवें हफ्ते में मिल सकता है बेबी का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये देखो ये दिल की धड़कन है कार्डियक एक्टिविटी और ये बेबी का मूवमेंट है तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड आपको बताता है कि आपका बच्चा जिंदा है या नहीं सो दिस इज ऑल अबाउट दी साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर तो टिलइस